राहु ग्रह ने 18 साल बाद मीन राशि में गोचर किया है। ऐसे में इस युति के बनने से कुछ राशियों के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। इसके साथ ही अपार धन लाभ भी होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया कि वैदिक पंचांग के अनुसार मार्च के अंत में वैभव एवं धन के दाता शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से मायावी ग्रह राहु विराजमान है, जिससे इन दोनों मित्र ग्रहों की युति मीन राशि में बनने जा रही है। इसके साथ ही यह युति लगभग 18 साल बाद बनने जा रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को पाप का ग्रह माना जाता है, तो बुध को शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह नौकरी, कारोबार, तेज वृद्धि, विकास, शिक्षा आदि का कारक ग्रह माना गया है, तो राहु राजनीति के कारक ग्रह है। मीन राशि में बन रही राहु और बुध की युति कई राशियों के लिए फायदेमंद रहने वाली है। इन राशियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। आइए जानते हैं राहु बुध की युति से किन किन राशियों को फायदा मिलने वाला है। शुक्र और राहु की मीन राशि में युति होने जा रही है। शुक्र जो है वह ऐश्वर्य को देने वाले हैं, सुख संपत्ति को देने वाले हैं, वैभव को देने वाले हैं और धन संपत्ति को भी देने वाले ग्रह हैं। राहु जो है वो विपत्तियों को तो देता है, लेकिन अचानक धन लाभ कराना, कहीं जो इन्वेस्टमेंट रहता है वहां से अचानक लाभ कराना या किसी भी अन्य प्रकार से अचानक जो धन लाभ देता है वह राहु ग्रह की प्रवृत्ति होती है। मीन राशि में राहु और शुक्र की युति होने जा रही है। यह युति लगभग 18 साल बाद बन रही है और इस युति का कहीं ना कहीं सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के ऊपर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा, कुछ राशियों के ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किन राशियों के लिए यह युति जो है लाभदायक या शुभदायक होने जा रही है। कर्क राशि के गोचर में नवम भाव में यह युति संबंध बना रही है, संबंध स्थापित कर रही है, तो धर्म लाभ होगा, धर्म में रुचि होगी, धार्मिक कार्यों में व्यक्ति संयोग करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति उसकी बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और जो बाधाएं कार्यों में है वह बाधाएं दूर होंगी। वैवाहिक सुख, आर्थिक लाभ की कर्क राशि के जातकों को लाभ होगा। जो सिंह राशि के जातक है, इन सिंह राशि के जातकों को यह सामान्य लाभ होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के सप्तम भाव में यह युति हो रही है, तो वैवाहिक सुख होगा। जिनका विवाह कन्या राशि के जिन जातकों के विवाह में किसी प्रकार की बाधा है वह बाधा दूर होगी, आर्थिक लाभ की इनको प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के लिए यह युति धन भाव में हो रही है, तो आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन के स्रोत बढ़ेंगे, अचानक धन लाभ होगा। जो भी योजनाएं में बना रहे हैं उन योजनाएं भी उनकी सफल होगी, नए संपर्क बनेंगे और नए संपर्क के द्वारा इनको विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। लोकलिटी नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, लोकलिटी इसकी पुष्टि नहीं करता है।